है पिताजी, इसमें आप इसमें आने की क्या जरूरत है, बैठ जाइए अपने सिंहासन पर। और भैया धीरे धीरे चले आइए पिताश्री के स्थान पर और पिताश्री को समझाइए, अगर हमारे पिताजी जीते जी संपत्ति को दो भागों में बांट देते हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है भैया। कमल, मैं इस बात को मानता हूं कि तू सत्य कह रहा है, पिताश्री जीते जी बांट देते तो ठीक रहता। लीजिए नजर फार फार कर, क्या देखो नजर फार कर। आज जिंदगी में पहली बार मैं दरबार से खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। क्या सकता है, हे भगवान, हे भगवान। बाबू यहाँ इसके लड़ाई जोर, बाबूजी यहाँ बुढ़वा लड़ाई जोर से को पैसा देते। पिताश्री। हाँ बेटा। महारानी देख रही है कमल राज आज क्या कह रहा है पिताश्री। ना जाने कमल राज को आज ये क्या हो गया है। अरे कुछ नहीं हुआ उसे पुत्र, वो किसी की दारू शराब के बहकावे में आ गया है। नहीं पिताश्री, मैं इस राज में दो भाई का जोड़ा हूँ। कमल राज सोच रहे हैं कि पिताश्री राजपाट ये धन दौलत मेरे बड़े भाई को सौंप दिए हैं, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। मुझे धन दौलत से कोई लोभ नहीं है पिताश्री। अगर वो इस राज को बांटने के लिए कह रहे हैं तो इस राज का अधिकार आप उन्हें दे दीजिए। ये राजपाट ये मेरा राज मुकुट कल सुबह होते ही आप उसे प्रदान कर दीजिए। मुझे धन दौलत से कोई लोभ नहीं है पिताश्री। अरे कमलराज, नीलराज पुत्र, अरे वो तो अभी गुस्से में है, तुम इनसे बातों को छोड़ दो। पिताश्री खैर छोड़िए इन सब बातों को, अभी कमलराज गुस्से में था। हाँ नीलराज, अभी आप देखें जो भाभी अपने गोद में खिला करके उसे इतना बड़ा किया, आज अपने हाथों से कमलराज मेरी महारानी को उठा करके फेंक दिया। महारानी आज देखिए ने बाबूजी, जिस हाथों से मैंने फुटबॉल की दबा किया बाबूजी, आज मुझे धक्का मार के चला गया। महारानी कमलराज अभी छोटा है, मैं उसे अकेले में समझाऊंगा। फिलहाल पिताश्री को हवेली ले चलो और भोजन करा करके आराम करने के लिए पिताश्री के कक्ष में भी छोड़ देना है। Yes.
आवाज लगाता हूँ तो वह बोलता कि हम कुत्ता है रे। कुत्ता नहीं इसको रात हम पूरी नहीं खेलिए डूटा वो बच गया तो घर में बाबू बोलने लगे कुत्ता बोला कुत्ता को पूरी खिला ले। तो कुत्ता को आवाज लगा रहे बिल्कुल। लेकिन महामंत्री शायद इस समय दरबार से तुम्हें किस लिए आवाज लगाया तुम्हें कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं इस समय दरबार में आवाज लगाने का कारण इस प्रकार है। किस प्रकार है कि तुम पिताश्री के साथ जैसा सलूक करने के लिए कहा जी 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 पिताश्री के साथ वैसा ही सलूक किया। लेकिन हमारे पिताजी इस संपत्ति को दो भागों में बांटने से बिल्कुल इनकार हो गया। इनकार हो गया आप बताओ कि पिताजी को मरने में 10-20 साल लगेगा लगेगा कहीं उससे पहले मेरा राम नाम सत्य हो गया तो बताओ ये संपत्ति किस काम का रहेगा। तो बताओ इसके लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता हाँ जी महाराज इसके लिए मुझे दूसरा रास्ता मेरे पास है। क्या दूसरा रास्ता मेरे पास है। साफ साफ बोलो जी जी दूसरा रास्ता मेरे पास है। बताओ उसके लिए मुझे क्या करना होगा। क्या करना होगा महाराज पिताश्री कहे कि जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक इस राज को हम दो भागों में नहीं बांटेंगे। यह कम कीजिए पिताजी का हत्या कर दीजिए। बता रहे शैतान की बच्चे शैतान पिताजी की हत्या करने से हमारे राज में हमारे महल में दारू का ठेका। महाराज हत्या करने से टाइम टाइम से मिलेगा दारू आपको तब टाइम टाइम से मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आप नहीं समझे महाराज पिताश्री की आप हत्या कर देंगे हत्या के जुल्म में बड़े भैया को आप फंसा देंगे। बड़े भैया को फंसाने के बाद उसे 14 वर्ष के लिए वनवास कर देंगे। उसके बाद इस राज में आप एक अलौता राजकुमार हो जाएंगे। हो जी बिल्कुल। अरे कि पिताजी की हत्या हत्या और हत्या कंजाम में बड़े भैया नील को फंसा कर बिल्कुल इस राज से इस महल से 14 वर्ष के लिए वनवास वनवास। अरे मंत्री क्या हुआ आज मुझे यकीन हो रहा है जी जी कि मेरे मंत्री के पास एक बीमारी की 100-100 इलाज है। अब हमारा इन्होंने कई हमारे पिताजी खत्म हो जाते हैं जी भैया इस राज को इस महल को छोड़कर बन के और चले जाते हैं चल जाते हैं इस हिमाचलपुर शहर में। इस उंगली को मैं जिधर घुमाना चाहूँगा जी जी इस उंगली के सहारे पूरे प्रजागण घूमेंगे जी। लेकिन उसके लिए तो कोई हथियार चाहिए जी चाहिए बिल्कुल चाहिए हथियार। कहाँ है कहाँ है अभी अभी हम आपको हथियार दिखाते हैं। फटफट वाला है ये आवाज करने वाला हथियार हमारे पास नहीं है। आवाज करने वाला नहीं चुपचाप चुपचाप जी नाम है हप चप। कैसा हथियार होगा रे हप चप रे नहीं देखने से कभी नाम तक नहीं सुना हूँ जी महाराज अभी अभी हम आपको दिखा देते हैं जाओ ले तो हथियार का देखो ना। हाँ बाबू ये फील्ड के तुरंत तो खाली करी दूं। लेकिन महामंत्री हत्या होगा पिताजी को और हम काहे फील्ड खाली करेंगे। वो देखिए तो फिर तो रैप्चरिस्ट हो ला तो पहले देखें इसी हथियार का नाम हप और चप है रे। हप चप। लेकिन इस हथियार को हम चलाएंगे कैसे। चलाने से पहले हाँ नीचे जकड़ के पकड़ना होगा। तो नीचे जकड़ के पूरी नहीं पचलो सो की द्वारा पूरी मंगा दिया महाराज। चलाने से पहले नीचे जकड़ के पकड़ना होगा। अच्छा चलाना कैसे है तो ये बात है आपकी वो बात है ठीक है महामंत्री। क्या
इस समय हमारे पिताश्री भोजन करके अपने कक्ष में आराम करता होगा, बिल्कुल करता होगा। अरे नसीब अगर रात में जा रहा हूँ, जी जी जी, पहले पिताश्री को जगाऊंगा, जगाएंगे, जगाने के बाद पिताश्री को समझाऊंगा, बिल्कुल। अगर पिताजी मेरे बातों के ऊपर यकीन कर लिया, जी जी, तो सुबह होते ही हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो। शेखवा